सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। रुको रुको सिस्टर, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। नर्स मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है नर्स? मेरा बच्चा ला दो डॉक्टर, मुझे मेरा बच्चा दे दो। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा बच्चा ला दीजिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। हमने बहुत कोशिश की पर हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बच्चा नहीं मर सकता, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नर्स मेरा बच्चा लेकर आओ, मेरा बच्चा लाओ, खड़े खड़े सुन क्या रही हो? मेरा बच्चा लेकर आओ, जाओ प्लीज। ये तो मर गई। डॉक्टर साहब, बच्चा तो जिंदा है। इट्स मिरेकल। एक आम आदमी की जिंदगी में दो चीजें उसको सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। एक उसका अपना बचपन और दूसरा उसके अपने बच्चे। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, खुशियों की तलाश थी हम। एक अपना घर जिसमें मैं, मेरी पत्नी शालिनी और मेरा बेटा सेठ था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बस कुछ अधूरापन था, एक कमी थी, और वो कमी थी एक बेटी की। एक्चुअली शालिनी की पहली डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जिसकी वजह से वो दोबारा माँ कभी नहीं बन सकती थी। तो हमने ये फैसला लिया कि हम एक बच्ची गोद लें, और ये फैसला लेकर आया कुछ अनदेखे से, कुछ अनसुलझे से सवाल जो हमारी छोटी सी दुनिया को हिला कर रख गया। ये आश्रम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तस्वीरों में दिखा। नहीं चले। हम्म,
मिस्टर अजमेरा, आपको तो पहले से ही एक बेटा है, फिर आप लोग बच्चा क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं? मैम, दरअसल बात यह है कि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये फिर से मां नहीं बन सकती। तो क्या हुआ अगर ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, पर मां तो बन सकती है ना? मेरा मतलब है कि बच्चा पैदा करने से कोई भी औरत मां नहीं बन जाती है, उनको पालने वाली भी मां ही कहलाती है। और फिर इन बेसहारा अनाथ बच्चों को मां तो चाहिए ही ना। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए। देखिए, अनाथ बच्चे नॉर्मल बच्चों से काफी अलग होते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में ये बच्चे इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। माँ बाप, दोस्त, भाई, कुछ भी तो नहीं होता इनके पास। और रिश्ते क्या है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बच्चों को हैंडल करना, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गई? उस बच्चे को देख रहे हो? ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। बड़ी प्यारी है। बहुत। नंदिनी नाम है उसका। उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। वो अक्सर अकेली ही रहती है। बेटा, गॉड ने तुम्हारे माँ बाप को वापस तुम्हारे पास भेज दिया है, और ये दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अब तुम भी इन दोनों को ज्यादा तंग मत करना, ओके? थैंक यू सिस्टर, आपकी वजह से हमारा परिवार पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोग थैंक यू गॉड को कीजिए, क्योंकि जो गॉड चाहते हैं वही होता है। वैसे नंदिनी बहुत अच्छी बच्ची है, बस थोड़ा कम बोलती है। अब हमें चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, चले। अरे दीदी, आ गई आप बड़ी जल्दी। नंदिनी, ये आपका नया घर है। कैसा लगा आपको? और ये रत्ना दीदी है। रत्ना, नंदिनी, बहुत प्यारे। ओह, आपको तो बहुत भूख लगी होगी ना? मैं फटाफट आपके लिए कुछ बना खिलाऊं। क्या खाओगे? चलो मैं कुछ बना खिला, आप तब तक घर देख लो। क्या रत्ना जी, गुप्ता जी आप ऑफिस पहुंचिए, मैं भी आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, वहीं बैठ के बात करते हैं, ओके? चलिए।
ऐसा करता है कोई? देखो कितना डरा दिया तुमने दीदी को। माँ मुझे लगा रत्ना आंटी है। दिखाई नहीं देता तुमको? कैसे दिखेगा, ऐसे खराब सा मास्क पहन रखा है। चलो निकालो इसको, चलो चलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। हाथ मिलाओ। नंदिनी ये तुम्हारा भाई है सिद्ध। नहीं मेरा नाम है सिद्धांत। हाँ सिद्धांत। चलो दोस्ती करो। ये वेरी गुड। चल 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 रत्ना। नंदिनी, नंदिनी सिद्ध क्या हुआ? नंदिनी सिद्ध, सिद्ध कहाँ है? सिद्ध सिद्ध तुम नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर आ जाओ। सलील क्या हुआ? नीचे क्या कर रहे थे? हाँ क्या हुआ बेटा, आप इतने डरे क्यों? सांस नहीं आ रही? हाँ ठीक है सलील, पा जल्दी। इट्स ओके, मामा आ गई ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके मामा आ गई ना, आप डर गए क्या? सलील जल्दी सर, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ऐसा बड़ा अटैक तो पहले कभी नहीं आया। बेटा सांस लो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। ओके सांस लो, इट्स ओके। नंदिनी कहाँ है? बेटा दीदी का है? हाँ सांस लो, सांस लो। हाँ ओके नंदिनी, यहाँ क्या कर रही हो? आ रहा बेटा, आप ठीक तो है ना? नंदिनी क्या हुआ? कैसे क्यों डर गए आप? आराम से, ओके रिलैक्स, ओके
सिद्ध कभी झूठ नहीं बोलता। और वो झूठ क्यों बोलेगा? वो तो बोल रहा था कल रात उसने रूम में पता नहीं कुछ अजीब सा देखा था, बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े नाखून, पता नहीं क्या क्या। अरे शालिनी, तुम भी उसी की बातों में आ गई। अब नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती ना। उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। हालत देखी तुमने उसकी? शालिनी तुम जानती हो उसे अस्थमा है, उसे इस तरह के अटैक्स आते रहते हैं, इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगा। हाँ, पर इसके पहले कभी वो ऐसे बेड के नीचे जाके छुपा भी तो नहीं था ना। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उससे झूठ नहीं बोलेगा। शालिनी मैं कब कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है? वो वही कह रहा है जो उसे सच लग रहा है। उसे लग रहा है कि ये सपना ही हकीकत है। शालिनी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत फिक्रमंद हो, मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं उसे डरपोक नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रांग बने। हमें उसे समझाना होगा कि ये सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं है। और मेरा यकीन मानो, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ओके? बच्चे सो गए? बड़ी मुश्किल से सोए हैं। सिद्ध तो उधर सोने के लिए तैयार ही नहीं था। मम्मा, सिद्ध तुम अब तक नहीं सोए? क्या हुआ, तुम कैसे आ गए? मम्मा, मेहमानी जगह वहां कोई और भी है। सिद्ध, अगर आपको मम्मा के पास सोना है तो आप सो जाइए, बस स्टोरी मत बताइए। कहाँ से सीखते हो सब? हाँ बस करो, वो डरा हुआ है। चलो सिद्ध, तू जाओ। ठीक, चलो चलो चलो, सो जाते, मैं इसको सुला देती हूँ। चलो चलो चलो, गुड बॉय, जल्दी से सो जाओ। ठीक, नंदिनी पता नहीं सोई है कि नहीं, मैं जाके देख के आती हूँ। चलो अब तुम बैठो, मैं देख कर आता। नंदिनी, नंदिनी, फिर आप यहां क्या कर रहे हो? चलिए।
क्या हुआ, कैसे गिर गए तुम? कुछ चाहिए? हाँ, कुछ कुछ पानी, तो पानी दो तुमको, पानी चाहिए? क्या चाहिए तुमको? कोशिश करो, मुझे समझ नहीं। सिद है ना यहाँ पे, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? पेन, पेंसिल? अच्छा एक रुको, रुको मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। लो सलिल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो। हाँ नंदिनी, हाँ नंदिनी भी आई है ना। सलिल, सलिल क्या हुआ? खाना हाँ। रत्ना जी, दीदी नंदिनी को जरा खाना दे दे। जी अभी आए। अच्छा सुन जी, आज रात तो यहीं रुक जा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बच्चे अकेले रह जाएंगे। ठीक है दीदी, आप फिक्र मत करिए, मैं हूं यहाँ पे। भैया कैसे हैं आप? जिंदगी में ऐसा मुश्किल टाइम आता है दीदी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। सलिल बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कुछ बोल रहा है पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्या कहना चाहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ खाना, नंदिनी क्या कर रही हो तुम इतनी रात को यहाँ पे? क्या कर रही हो? चलो बाकी की पढ़ाई कल करना, उठो चलो 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 ऊपर चल के सो चलो। इतनी देर तक जागता है कोई?
रात सोने के लिए होती है, अपना पढ़ाई का काम दिन में खत्म किया करो, वरना ऐसे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। चलो देखो तुम्हारा भाई सो रहा है ना आराम से, अब तुम भी सो जाओ चुपचाप। पागल हो गई है तू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है हा? अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी पागल हो जाती। ना बाबा ना, जब तक वो लड़की यहाँ पे है मैं काम नहीं कर सकती। मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं चलती हूँ प्लीज। अरे रत्ना सुन, मम्मा निवानी जो बाबा कोई और भी है। नंदिनी? हाँ नंदिनी भी आई है ना। सलील, सलील क्या हुआ? ना बाबा ना, जब तक वो लड़की यहाँ पे है मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं चलती हूँ प्लीज। Ah!
नंदिनी नाम है उसका। उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। मम्मा, मेवानी चौगावा कोई और भी है। हाँ, नंदिनी भी आई है ना। सलील, क्या हुआ? अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी पागल हो जाती। हेलो सिस्टर परेरा, सिस्टर मुझे आपके साथ नंदिनी के बारे में बात करनी है। सिस्टर उसकी बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें, बहुत डर लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली आपसे पहले भी एक फैमिली ने नंदिनी को गोद लिया था और फिर पूरी फैमिली की डेथ हो गई। फिर नंदिनी अनाथ होकर हमारे ही आश्रम में वापस आ गई। अब उसकी फैमिली की डेथ कैसे हुई ये तो आज भी राज है। सिस्टर आपने ये सब पहले क्यों नहीं बोला? अब मैं क्या करूं? मुझे नंदिनी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। मैंने सुना है उस पर उसकी माँ की आत्मा का असर है। माँ की आत्मा? जी। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ, आप डॉक्टर त्रिकोटी के पास जाइए। डॉक्टर त्रिकोटी कौन है? डॉक्टर त्रिकोटी को गोस्ट मैन कहा जाता है। उन्होंने जिद्दी से जिद्दी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मैं आपको उनका नंबर मैसेज करती हूँ। ओके, ठीक है। हेलो, हेलो डॉक्टर त्रिकोटी, मुझे आपका नंबर सिस्टर परेरा ने दिया था। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अभी भी इस घर में, मुझे उसके होने का एहसास हो रहा है। और वो आत्मा Oh!
मैं जानती हूँ कि तुम नंदिनी की माँ हो और उसके साथ रहना चाहती हो। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है, पर इस वक्त जो तुम कर रही हो वो नंदिनी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस उम्र में इस बच्चे के हाथ में खिलौना होना चाहिए, तुम उसके हाथों में लोगों की गर्दनें दे रही हो, ये सही नहीं है। छोड़ दो उसे, जाने दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी, प्लीज। जानती हो कि तुम नंदिनी की माँ हो और उसके साथ रहना चाहती हो। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है, पर इस वक्त जो तुम कर रही हो वो नंदिनी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस उम्र में इस बच्चे के हाथ में खिलौना होना चाहिए, तुम उसके हाथों में लोगों की गर्दनें दे रही हो, ये सही नहीं है। छोड़ दो उसे, जाने दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ। वादा करती हूँ तुमसे, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी, प्लीज। नंदिनी आज ठीक है, वो बहुत जल्द एक न्यूरोसर्जन बनने वाली। आज मुझे गर्व है कि मैं नंदिनी का बाप। शालिनी ने जो नंदिनी की माँ से वादा किया था, मुझे लगता है कि आज हमने वो पूरा कर दिया। वो जहां भी होगी बहुत खुश होगी। उस दौरान हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका कुछ ज्यादा दुख नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले भी यह कहा कि हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई भी चीज कीमती नहीं। नंदिनी की माँ ने बस यही किया। इसलिए जब उसको ये पता चला कि नंदिनी हमारे साथ खुश रहेगी, तो फिर उसने हमें कभी भी परेशान नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये एक महज कहानी हो सकती, पर हमारी जिंदगी में ये वो भयानक सच है जिसने हमें पूरी तरह से झकझोर दिया। खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि वो डरावना पल अब हमारी जिंदगी में नहीं, और जो है वो बेहद खूबसूरत।